अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पर शाम 6 बजे का टाइम है और आज मैं डिनर में चिकन मंचूरियन बना रही हूँ। इसके लिए मैंने क्यूब्स में कटा बोनलेस चिकन ले लिया और सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए मैंने इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून वाइट पेपर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर और 2 टेबलस्पून भरकर कॉर्नफ्लोर और एक अंडा भी ऐड कर दिया। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके 1 आवर के लिए इसको रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। वैसे चिकन मंचूरियन की ऑथेंटिक रेसिपी में एग वाइट यूज़ होती है, एग का येलो वाला पार्ट यूज़ नहीं होता। ये आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है, आप चाहें तो आप एग वाइट भी ऐड कर सकते हैं। एक पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल के ले लिए। ऑयल को मीडियम हीट पर गर्म करने के बाद मैं मैरिनेटेड चिकन को फ्राई कर लूँगी। चिकन को हम इतना फ्राई करेंगे कि अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। अगर हम चिकन को ज़्यादा फ्राई कर देंगे तो चिकन हार्ड हो जाएगा, जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए, चिकन हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे पेपर टॉवल पर निकाल देंगे ताकि चिकन में जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो अब्सॉर्ब हो जाए। मंचूरियन में आपको जो वेजिटेबल्स पसंद हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। मैं इसकी ग्रेवी में क्यूब्स में कट की हुई कलर बेल पेपर्स, कैरेट एंड अनियन ऐड करूंगी। अब हम इसकी सॉस तैयार करते हैं। मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लिया और इसमें 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक ऐड कर लिया। गार्लिक को हम लाइट ब्राउन कर लेंगे और इसके बाद कटी हुई वेजिटेबल्स को इसमें ऐड करके सौते कर लेंगे। अब मैंने 1 टेबलस्पून टोमेटो पेस्ट इसमें ऐड की है और मैं इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। टोमेटो पेस्ट को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस और थोड़ा सा विनेगर ऐड करेंगे। आप चाहें तो विनेगर ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, मुझे इसका टेस्ट इतना पसंद नहीं है इसलिए मैंने इसको थोड़ा ऐड किया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून वाइट पेपर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम 6 टेबलस्पून भर कर टोमेटो केचप इसमें ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। टोमेटो केचप को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें 2 कप्स वाटर की ऐड करेंगे। यहाँ पर आप पानी की जगह चिकन स्टॉक भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास चिकन स्टॉक नहीं था तो मैंने पानी ऐड करके 1 चिकन क्यूब इसमें ऐड कर दी। चिकन क्यूब ऐड करने से इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अगर चिकन क्यूब्स अवेलेबल नहीं है तो इसमें चिकन पाउडर भी ऐड किया जा सकता है। फ्राइड चिकन को हमने इसमें ऐड कर लिया। अब हम 2 टीस्पून ब्राउन शुगर ऐड करेंगे। अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो आप वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रेवी आप जितनी भी थिक रखना चाहें, आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है, आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक थिक कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर को मैंने पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब मैं इसे भी ग्रेवी में ऐड कर दूंगी। कॉर्नफ्लोर को मैंने थोड़ा सा बचा लिया है क्योंकि मुझे ग्रेवी को बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना। दूसरी तरफ मैंने चावल बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। मैं कोई भी चाइनीज़ डिश बनाऊं, इसके साथ हमेशा सिंपल बॉईल राइस ही बनाती हूं। इसकी एक रीज़न है कि मेरे बच्चे राइस में वेजिटेबल या एग्स पसंद नहीं करते हैं, इसलिए बच्चों की पसंद को मद्देनज़र रखते हुए मुझे सिंपल राइस बनाने पड़ते हैं।
चावलों को भी दम आ गया है और मज़ेदार सी मंचूरियन भी तैयार हो गई है। ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बनती है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। कुकिंग से फ़ारिग होने के बाद मुझे बाहर थोड़ा काम था, मुझे मोमोसो स्टोर जाना था, तो मैंने सोचा आपको भी अपने साथ लेकर चलती हूँ। फाइनली हम शॉपिंग मॉल पहुँच चुके हैं। आज मैं आपको दुबई मोमोसो का फुल टूर दूंगी ताकि मेरे साथ साथ आप भी देख सकें कि दुबई में मोमोसो स्टोर पर कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। सो मेरे साथ कनेक्ट रहिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। मोमोसो एक कोरियन फैशन इंस्पायर्ड चाइनीज़ ब्रांड है। मोमोसो की बहुत सी ब्रांचेस यूएई में मौजूद हैं। यहाँ पर आपको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं। मेरी कोशिश होगी कि मोमोसो में मौजूद तमाम प्रोडक्ट्स के प्राइस भी मैं आपको दिखा सकूँ। कॉस्मेटिक्स में जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत सी वैरायटी यहाँ पर मौजूद है और हर चीज़ के प्राइस उसके ऊपर मेंशन है। मैंने कोशिश की है कि मैं हर चीज़ के प्राइस भी आपको दिखा सकूं। एलोवेरा से बने बहुत से स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एलोवेरा हमारी स्किन और हमारे बालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है और इसके बहुत से फ़ायदे हैं। की बहुत सी प्रोडक्ट्स पसंद आ रही थी। जैसा कि मोमोसो एक कोरियन ब्रांड है और कोरियन प्रोडक्ट्स बहुत फेमस होती हैं। मैं यहाँ पर ज़्यादा वॉइस ओवर करके आपको बोर नहीं करूँगी, आप वीडियो देखिए और इन्जॉय कीजिए। ये देखिए, यहाँ पर किड सेक्शन में बहुत प्यारी प्यारी सी डॉल्स, बच्चियों के हेयर बैंड एंड पिंस वगैरह अवेलेबल थी। इस सेक्शन में क्रॉकरी से रिलेटेड बहुत ही ब्यूटीफुल वैरायटी मौजूद थी। ये गोल्डन कटलरी सेट्स तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। इस सेक्शन में लेडीज हैंडबैग्स एंड क्लचेस वगैरह मौजूद थे और इनके प्राइस भी काफी अफोर्डेबल थे। की चेन्स की भी काफ़ी वैरायटी यहाँ पर मौजूद थी। ये की चेन्स बच्चों के स्कूल के बैग्स के साथ भी लगाई जा सकती हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेंगी। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, अब हम वापस जा रहे हैं। काफ़ी घूमने फिरने के बाद हम काफ़ी थक चुके थे और भूख भी लग रही थी, तो यहाँ पर हम चिकन टिक्का आ गए। चिकन टिक्का मेरा बहुत फेवरेट है। ये प्लेटर गर्मा गर्म पूरियों के साथ सर्व करते हैं जो कि बहुत ही यमी लगता है।
बस यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।